हेलो दोस्तों, मेरा नाम है नितीश। आप देख रहे हैं फोर्स, यानी कि एजुकेशन फॉर सिविल। चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है मेरा, डीस्टटरिंग ऑफ फ्रेमवर्क, यानी कि जब भी हम फ्रेमवर्क करते हैं अपने स्ट्रक्चर में, तो उसका हम लोग रिमूवल टाइम क्या होता है, डीस्टटरिंग हम लोग कब कर सकते हैं उसे, ताकि वो सेट हो सके। जब भी हम सेटिंग का ही बात करते हैं, अगर मैं रिमूवल का बात करूं, यानी कि सेटिंग का बात करूं, यानी कंक्रीट हमारा जब तक सेट नहीं हुआ, तब तक हम उसे रिमूव नहीं कर नहीं सकते। आज का ये बेसिक पॉइंट का एपिसोड नंबर 2 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बेसिक पॉइंट्स नंबर 1, आईएसटी जो होता है, इनिशियल सेटिंग टाइम, दोस्तों ये होता है 30 मिनट्स, यानी कि वो मिनिमम टाइम जहां पे कंक्रीट हमारा सेट होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है दोस्तों, इनिशियल सेटिंग टाइम से बोलते हैं वो है कितना, 30 मिनट। अब इसका बात कर रहा हूं मैं नंबर 2, FST, फाइनल सेटिंग टाइम, ये है 600 मिनट और 10 आवर्स। ठीक है दोस्तों, जो FST फाइनल सेटिंग टाइम जो है 600 मिनट या फिर 10 आवर्स। अब मैं बात करूंगा कि डीशटरिंग और रिमूवल ऑफ फ्रेमवर्क। दोस्तों, हम जब भी कॉलम की कास्टिंग करते हैं, उसमें क्या होता है कि हम शटरिंग में कुछ शटरिंग फ्रेमवर्क ये होते हैं, जो जो जनरली प्लाई का लगा होता है या फिर स्टील का कहीं कहीं पे यूज होता है, बट ज्यादातर प्लाई का यूज होता है। तो हम लोग यूज करते हैं, ज्यादातर प्लाई का ही यूज कर रहे हैं अभी बड़े बड़े साइटों पे भी। तो उसको डीशटरिंग हम लोग कब कर सकते हैं, उसे खोल, उसे जो साइड जो लगाते हैं हम लोग कॉलम कास्टिंग के लिए, तो उस साइड को हम लोग खोलेंगे कब, कितने टाइम में। चलिए, उसका जो डीशटरिंग ऑफ डी डीशटरिंग ऑफ कॉलम वाज कॉलम वॉल्स फॉर वर्टिकल फ्रेमवर्क। दोस्तों, हमारा जो FST बोलता है कि 600 मिनट, यानी 10 आवर में हम खोल देते हैं, लेकिन डीशटरिंग ऑफ कॉलम फिर भी हम थोड़ा सा टेंशन ना ले कि खोले और कहीं कंक्रीट कहीं से लीकेज हो जाए, क्योंकि बहुत टाइम ऐसा होता है कि हम उसमें सही से वाइब्रेशन यूज नहीं कर पाते हैं। तो उसके लिए हम लोग टाइमिंग रखते हैं 16 से 24 आवर, 16 से 24 आवर के बीच में ये मेरा टाइमिंग है। नंबर 4, सोफिट फ्रेमवर्क टू स्लैब। सोफिट फ्रेमवर्क टू स्लैब, इसके लिए हमें कितना टाइम देना पड़ता है, 3 डेज का। ये 3 डेज का हम लोग टाइम देते हैं सोफिट फ्रेमवर्क टू स्लैब, इसके डीशटरिंग करने के लिए 3 डेज टाइम लगता है। नंबर 5, सोफिट टू बीम। सर, बीम का हम लोग ये करते हैं रिमूवल, इसमें हम लोग का टाइम लगता है 7 डेज। ये था इसका आंसर, 7 से 7 डेज। नंबर 6, अगर स्पैन आपका, स्पैन अप टू 4.5 मीटर है, तो इसमें टाइम लगेगा 7 डेज। डी शटरिंग करने के लिए हमें कितना देर लगेगा, 7 डेज। नंबर 7, स्पैन मोर देन 4.5 मीटर अगर होगा, तो ये टाइम मिलेगा 14 डेज। 4, आर्क अप टू 6 मीटर अगर रहा, आर्क अगर इस तरीके का कुछ फ्रेमवर्क होता है,
जिस तरीके अगर फ्रेमवर्क होता है अप टू 6 मीटर है तो उसमें जो टाइम लगता है, अगर नंबर 9, 4 आर मोर देन 6 मीटर अगर हो, 21 डेज क्यूरिंग क्यूरिंग ऑफ कॉलम एटलीस्ट 7 डेज फुली वेटेड क्यूरिंग होना चाहिए, 7 डेज। दोस्तों ये जो हमारा हाई स्कोर जो होता है वो बोलता है 28 डेज की क्यूरिंग, लेकिन अगर आप 7 डेज फुली वेटेड क्यूरिंग कर रहे हो, फुली वेटेड यानी कि 1 मिनट के लिए भी वो सूखना नहीं चाहिए हमारा जो कॉलम है, तो उसमें आप 7 डेज में भी आप कर सकते हो। उसमें गले वैक्स हमारे बांधना बहुत जरूरी होता है। तो दोस्तों इसी तरह का बेसिक से ये पॉइंट था जो कि एपिसोड नंबर 2 था, बेसिक सिविल इंजीनियरिंग का पॉइंट 2 बेसिक। दोस्तों ये जो सिविल मैं जो एपिसोड स्टार्ट किया हूँ ये बेसिक बेसिक नॉलेज का, तो ये एपिसोड नंबर 2 था। तो अगर आप इस चैनल पर नए हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।